साथियों, एयरवे के साथ साथ रोडवे और रेलवे से भी अरुणाचल की शेष भारत से कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सेला सुरंग को भी जल्द से जल्द तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। जब ये सुरंग बन जाएगी तो बालीपारा से तवांग तक पहुंचना आसान हो जाएगा। साल भर हर मौसम में आपके आने जाने की समस्या का समाधान हो सकेगा। हाल ही में ब्रह्मपुत्र पर देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबील पुल का भी लोकार्पण किया जा चुका है। इससे भी अरुणाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों को बहुत लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी चाहे गांव की हो, शहर की हो या फिर देश के दूसरे हिस्सों से, केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर आज काम कर रही है। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए नेशनल हाईवे तो बनाए ही जा रहे हैं, बीते 2 वर्षों में ही लगभग 1,000 गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रांस अरुणाचल हाईवे, उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। साथियों, सड़क संपर्क के अलावा रेलवे को लेकर भी अभूतपूर्व काम अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने के अभियान के तहत ईटानगर भी रेलवे से जुड़ चुका है। नहरलागुन और दिल्ली के बीच चलने वाली अरुणाचल एसी एक्सप्रेस अब हफ्ते में 2 बार चलती है। इसके अलावा पूरे अरुणाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 7 जगह पर सर्वे का काम चालू किया गया है। इसमें से 3 जगह पर सर्वे का काम पूरा भी हो चुका है। तवांग को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने की बड़ी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हाईवे, रेलवे, एयरवे के साथ साथ बिजली की कनेक्टिविटी भी अहम है। आज मैं अरुणाचल प्रदेश को सौभाग्य योजना के तहत करीब करीब हर परिवार तक बिजली पहुंचाने वाला राज्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आज अरुणाचल ने जो हासिल किया है वो बहुत ही जल्द पूरे देश में भी हासिल होने वाला है। सौभाग्य योजना के तहत बीते 1-1.5 साल में ही देश में करीब 2.5 करोड़ परिवारों के घरों, उन घरों से अंधेरे को मिटाया गया है, दूर किया जा चुका है। मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, हर घर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ पर्याप्त बिजली भी पहुंचे, इसके लिए भी हमारी सरकार पावर जनरेशन पर भी बल दे रही है। आज 110 मेगावाट के पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का
उद्घाटन किया है। इससे अरुणाचल को तो बिजली मिलेगी ही, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों को भी लाभ मिलेगा। वहीं यहां के ट्रांसमिशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का काम भी आज से शुरू हुआ है। इससे राज्य के दूर दराज के इलाकों को बिजली मिल सकेगी। साथ ही एक और बड़ा काम ये होगा कि यहाँ की बिजली व्यवस्था ग्रिड से जुड़ जाएगी।